नमस्कार दोस्तों, वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पशुओं में फास्फोरस की कमी के लक्षण एवं उपचार। पशुओं के शरीर में फास्फोरस के अपर्याप्त मात्रा में अथवा शरीर द्वारा उचित रूप से प्रयोग न होने पर पशुओं में फास्फोरस की कमी हो जाती है। लगभग 70% फास्फोरस हड्डी और दांत की संरचना बनाने के लिए कैल्शियम के साथ उपयोग होता है। फास्फोरस शरीर के कोशिकाओं के केंद्रक एवं सभी ऊतकों के कोशिका द्रव्य का संरचना का महत्वपूर्ण तत्व है। यह कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं मांसपेशियों के ऊतकों का एक सार्वभौमिक है। रुधिर शिरा में फास्फोरस की कम मात्रा से उत्पादन होने वाले विकार को हाइपोफास्फेटिमिया के रूप में जाना जाता है। पशुओं में अत्यधिक मात्रा में फास्फोरस की कमी के कारण हड्डियों का रोग रिकेट्स हो सकता है। फास्फोरस एवं कैल्शियम के अनुचित संतुलन से भी पशुओं में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। फास्फोरस की कमी के कारण आहार में फास्फोरस की कमी, मिट्टी मृदा में फास्फोरस की कमी होना, सूखी घास व चारे में फास्फोरस का स्वाभाविक रूप से कमी होना, सूखे की दशा स्थिति में चारे में फास्फोरस की कमी उत्पन्न हो जाना, शरीर द्वारा फास्फोरस का अपर्याप्त अवशोषण, दुधारू पशुओं में दूध के साथ साथ फास्फोरस का अत्यधिक मात्रा में स्राव होता है। अग्रिम गर्भाधान के दौरान भ्रूण के विकास के लिए फास्फोरस की आवश्यकता में वृद्धि होती है। फास्फोरस के कमी के प्रकार तीव्र फास्फोरस और सेकेंड है जीर्ण फास्फोरस। तीव्र फास्फोरस की कमी सामान्यतः उच्च उत्पादक वाली डेयरी गायों के स्तनयान की शुरुआत में फास्फोरस की अचानक से कमी शुरू हो जाती है। प्रसव के अवधि के आसपास पशुओं के आहार चारा सेवन में कमी आना फास्फोरस के कमी का एक बड़ा कारण माना जाता है। दूसरा है जीर्ण फास्फोरस। जीर्ण फास्फोरस की कमी पशुओं में आमतौर पर लंबे समय तक अपर्याप्त मात्रा में चारा लेने से उत्पन्न होता है। ये लंबे समय तक पशुओं के आहार में फास्फोरस के कमी के कारण क्रोनिक फास्फोरस की कमी हो जाती है। इस प्रकार के फास्फोरस की कमी शुष्क क्षेत्र में चरने वाले पशुओं में पाई जाती है, क्योंकि इन स्थानों की मिट्टी में स्वाभाविक रूप से फास्फोरस कम मात्रा में पाया जाता है। अन्य फास्फोरस बिना हाइड्रोफोस्फेटिमिया एक प्रकार की फास्फोरस की कमी ओरल एवं पेरेंट्स कार्बोहाइड्रेट देने के पश्चात कोशिकाओं द्वारा फास्फोरस के ग्लूकोज के साथ अत्यधिक मात्रा में उपयोग के कारण वजह से फास्फोरस की कमी उत्पन्न हो जाती है। प्रमुख लक्षण। फास्फोरस की कमी से ग्रसित युवा पशुओं में उपयुक्त बेचैनी, मांसपेशियों में कमजोरी एवं हड्डियों में दर्द होना
लाल रुधिर कणि कोशिकाओं का अधिक संख्या में टूटने लगना हाइपोसेप्टिमिया के तंत्रिका तंत्र जैसी लक्षण संबंधी उत्पन्न होता है। हृदय गति एवं श्वास दर का बढ़ना पीटीपी के कमी के कारण श्वेत रक्त कणिकाओं एवं प्लेटलेट्स के कार्य में स्थिरता आना हाइपोस्फेटिमिया के कारण दुधारू पशुओं में प्रसव के पश्चात पैरों पर खड़ा न हो पाना स्थिरलिस्टेस रहना जीर्ण फास्फोरस की कमी से ग्रसित युवा पशुओं में धीरे धीरे वृद्धि होना रिकेट्स उत्पन्न हो जाना एवं वयस्क पशुओं में शुरुआती अवधि में भूख लगना सुस्त होना वजन कम होना बाद के चरणों में पशुओं में पाइका ऑस्टियोमेलिया असामान्य चाल लंगड़ाना एवं अंततः अपने पैरों पर खड़े होने में असमर्थता उत्पन्न हो जाना प्रमुख लक्षण है। पशुओं में लंबे समय तक फास्फोरस कैल्शियम मैग्नीशियम या पोटेशियम के कमी के कारण होती है स्थिति में पशु कैल्शियम लवण से उपचार के उपरांत भी खड़ा नहीं हो पाता है। निदान इतिहास अग्रिम गर्भावस्था जल्दी स्तनपान पशुओं को एकमात्र सूखा चारा खिलाना लक्षण काफी रंग के मूत्र विसर्जन होना खून की कमी पीलिया यकृत पलिहा के आकार में वृद्धि ढांचे रुधिर कम हीमोग्लोबिन पीसीबी एवं टीईसी बायोकेमिकल सीरम के मात्रा में अकार्बनिक फास्फोरस मूत्र में हीमोग्लोबिन का पाया जाना पशुओं के चारे व आहार की जांच करना मृदा के फास्फोरस की मात्रा की जांच करना सब परीक्षण पशु का मृत शरीर दुबला पतला छिन्न अवस्था में होना पसलियों कोशिकाएं एवं श्रेणी टूटी हुई होनी तथा पशुओं के बाल खुरदुरे होना। नोट पशु चिकित्सक द्वारा फास्फोरस की कमी से ग्रसित पशुओं की चिकित्सा निम्न प्रकार से किया जा सकता है। फास्फोरस की कमी से ग्रसित पशुओं की चिकित्सा सोडियम एसिड फास्फेट अथवा बफर फास्फोरेट का 50 मिग्रा इंजेक्शन पहले दिन 2-3 दिन बाद 25 मिग्रा का दूसरा इंजेक्शन के साथ इलाज अत्यंत प्रभावी होता है। खून की कमी की स्थिति में खून चढ़ाएं तथा खनिज मिश्रण 25 से 50 ग्राम मात्रा में रोज पशुओं को खिलाएं। रोकथाम एवं नियंत्रण रोकथाम पशुओं के आहार में संतुलन मात्रा में फास्फोरस उपलब्ध कराएं। मृदा में फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए फास्फोरस युक्त उर्वरक डालें। गर्भावस्था के नोट गर्भावस्था के अंतिम सप्ताह के दौरान आहार में अत्यधिक मात्रा में फास्फोरस न दें, यह पशुओं के लिए प्राणघातक साबित हो सकता है। धन्यवाद। वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म धन्यवाद। ओके।